खुजली वाली प्रॉब्लम, खुजली वैसे होती नहीं, जब दवा रखते हैं ना तो इतनी खुजली होती है, आधा घंटा तक मैं बेचैन रहती हूँ, सब सूज आया, दर्द भी होता है। मैं बोली कब तक ठीक होगा खुजली वाले सबसे ज्यादा? कितने पुरानी थी ये? हो गया 3-4 साल से। 3-4 साल ऐसे दवा वैसे दवा, कोई कुछ ऐसे अपना करते रहते। हमारे जौनपुर में है, लेकिन समझ से सबके बाहर, मतलब जैसे आप एक ही बारी में समझ गए कि हाँ भाई इनको ये प्रॉब्लम है और इसको मैं कर रहा हूँ ये ठीक हो जाएगा, तो दवाई एक दिन ले गए, दो दिन ले गए, आराम मिलना। खुजली वाला तो काम ख़त्म है, लेकिन जब दवा अंदर रखती हैं उससे थोड़ी सी जो है रहती है प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि जब हटा देती हैं तो नॉर्मल हो जाती हैं, खुजली दोबारा नहीं होती है। रखने पे केवल दिक्कत आती है, आइंदा नहीं आती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए जो जो इसकी विधान है, हम इस विधान को अपनाने जा रहे हैं कल से, अब इसमें आप मुझे, मतलब किसी को भी इस विधान को बताने में डर लगता है कि उल्टा पुल्टा खाने के लिए बोलेंगे। सबसे बड़ी तो समस्या है, पहले नमक छोड़ा दिए, अब चीनी छोड़ा दिए, अब कह रहे हैं कि खाली गाजर मूली खाओ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा कोई वो नहीं। मेरा थिंकिंग है कि अब मैं आपका हाथ पकड़ा हूँ तो जिंदगी भर आपको किसी डॉक्टर का हाथ ना पकड़ना पड़े, और अगर मैं कोर्स पूरा कर दूंगा तो जिंदगी में कभी 1 रुपया आपका लगे ना। थोड़े बहुत तो कमियाँ हो ही जाती है, मैं भी कोई एकदम परमात्मा का जो आशीर्वाद मिलेगा उसी हिसाब से करूंगा। मैं आपको बताता हूं, अगर आप कोई जहर हो और कहो कि जो है ये दवा है खा लो तो ठीक होने के लिए वो भी खा लेंगे। तो ये कहने जा रहा हूं कि आपको 3 चीजें करनी है, 5 किलो टमाटर, मटर, हल्दी, अदरक, लवंग और ये नमक तो मैंने दे ही दिया है, प्याज लहसुन और ये आलू छोड़ के जितने भी सब्जियां में होती है जैसे हरा सब्जी, गाजर, मूली, पपीता, सलगजम जो भी है, ये चीज़ों का अपने सूप कच्चे रूप में खाना है। अगर कच्चा खा लें जो चीज़ें, जैसे सेब हो गया, अंगूर हो गया, जितना आप खा सकती हैं, ये 12 बजे तक अपने वजन का 3 हिस्सा खा लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है तो 350 ग्राम तक खा लीजिए। 12 बजे के बाद हल्का सा भोजन जो भी लेना है, लेकिन सलाद के साथ गाजर मूली खा। हाँ, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, खवाएगा क्यों? वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपका आज नहीं खवाएगा, 4 दिन के बाद मैं गारंटी लेता हूँ मेरे पास ऐसी दवा है कि आप आधा किलो खा लेंगी, 350 ग्राम कौन पूछता है, और खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलो ज्यादा खाने थोड़ी ना ठीक रहूं, ज्यादा खाने से नहीं ठीक होना है, लेकिन ठीक होने के लिए ज्यादा खाना इसलिए कि वो आपके ड्राइवर तैयार कर देगा। और बाकी रह गया कटिए स्नान वाला, तो मैंने व्यवस्था आपका कर दिया है, यहाँ पे आपको एक कपड़े के साथ आना होगा, हमारी मैडम जाएंगी आपका वो कटिए स्नान कराएंगी, जिस समय आपका वो जो भी गर्भ के अंदर या जिधर उधर उसके कीड़े निकाल दूंगा, सारा निकलेगा तो देखेगा आप, क्योंकि मैंने तो जेंट्स का किया सारा बीमारी निकला, और लेडीज वाले में आप थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए, मैं इसको जड़ से ही ठीक करता हूँ, तब आपकी ये प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा कि कितने साल से आप परेशान थे, लेकिन आपको यकीन हो गया कि मैं अब कंट्रोल करूँ। हाँ नहीं, वो टेम्परेचर रहता है उसमें, 42 डिग्री टेम्परेचर होता है, आपको गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी, ऊपर हमारे यहाँ सेटिंग बना हुआ है छत के ऊपर। तो ठीक है, अब आपको जितना मतलब मुझे लग गया पता, ज़्यादा टाइम लगेगा? नहीं, 2 घंटे का टाइम होता है, वो भी किस्तों में कर सकते हैं, आधे आधे घंटे के ऊपर। तो इस चीनी को बंद करके आपने जितना एहसान किया है अपने ऊपर, मेरे ऊपर तो नहीं, आप अपने ऊपर, और नमक चेंज करके, ना चाय बिल्कुल नहीं, अगर चाय पियेंगी तो ये दवाई 6 महीने में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल चाय मत पीना, और सारी चीजें आपका जो बताया हूँ कर लेना, नमक जो मैंने दिया वही खाना है, नमक की पैकेट आपको दिया जा रहा है, ये देखिए वहाँ पर एक नमक की पैकेट देंगे, स्टार्ट कर रहे हैं तो सब कुछ करके दिखाएंगे। और खाने पीने में जो बोला हूँ कि अपने खाने पीने की जो परहेज बताया हूँ, जैसे हरी सब्जियाँ, हरे
फल फ्रूट जितने हैं ताज़ा, बिना पकाए हुए भोजन ज़्यादा करना है, पकाने के बाद थोड़ा करना है। कि मैं आपको अब जड़ से ठीक करूं, और आप अगर मान गए, आज विश्वास आपको हो ही गया, तो मैं आज से खुला डुला आपका दवाई कर रहा हूं। अभी आपको मान लीजिए कि पता लग गया कि मैं ठीक हो रही हूं, आपके अंदर से वो चीज़ निकल चुके जो आपका रीजन थे, तो उसके जो खील होते हैं उसको निकालना, बहुत जल्दी निकाल दूंगा। उसके बाद उसके जख्म को ठीक करने के लिए थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट कर दूंगा, बस ज़िंदगी भर के लिए आराम मिल जाएगा।